आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। स्वागत है आपका प्राइम चर्चा में। और चुनावी माहौल है और आज हम चर्चा करेंगे इसी के ऊपर, यानी चुनावी माहौल है और ऐसे में सभी दल के नेता दावेदारी कर रहे हैं, चुनावी टिकट चाहते हैं और टिकट चाहने के लिए वो जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने कामों को गिना रहे हैं। साथ ही जो सरकार है जिसके तहत वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके काम गिनाते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि हम आने वाले भविष्य में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जनता के लिए विकास के काम करेंगे, तरह तरह के काम करेंगे। लेकिन क्या इनमें सच्चाई है और आखिर ये जो नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं वो कितना काम कर सकते हैं, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शेख अहमद अली संजय भाई जी, जिन जो सिकंदरपुर विधानसभा 359 बलिया के भावी सपा प्रत्याशी हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जितना हमको पता है आप कई पार्टियों के साथ पहले काम कर चुके हैं, तो बाकी पार्टियों में आपका अनुभव कैसा रहा है? जी मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टाइम्स में मुझे टाइम देने का। जी मैं कांग्रेस में रहा, युवक कांग्रेस में अध्यक्ष रहा प्रदेश का, जिले का जी, और मैंने संजय गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया। नरसिंह राव के आने के बाद जब मनमानी कांग्रेस करने लगी तो हम लोगों ने अपने रास्ते डेरे पीछे कर लिए जी, और 94 के बाद 97 में बहुजन पार्टी ज्वाइन कर लिया गया जी, और बहुजन पार्टी में जब तक मानवर कांतिराम साहब थे तो सारी दलों की बात, सारे युवाओं की बात करती थी, सारे कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती थी। कांतिराम के इंतकाल के बाद जब मायावती जी के बाद दोहराया तो ये पार्टी प्राइवेट लिमिटेड हो गई जी। तो सपा का दामन आपने किस लिए थाम लिया? आपको सपा में ऐसी कौन सी चीज अच्छी लगी जो आप सपा के साथ आ गए? जी सपा में हमको अखिलेश की वादे और काम करने का तरीका, पढ़ा लिखा इंसान और सम्मान देने वाला नेता जी, और इंदिरा गांधी वाली चमक उनकी आंखों में मुझे नजर आई जी। जैसे इंदिरा गांधी पूरे देश के हर नौजवान को, हर परिवार को अपना परिवार समझती थी, उसी तरह माननीय अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान के परिवार को, नौजवानों को अपना परिवार समझते हैं जी। तो एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि आपने कांग्रेस देख ली, बीएसपी देख ली, सपा में आ गए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप कभी बीजेपी भी ज्वाइन करेंगे? अगर हिंदुस्तान जी और समाज का काम करेगा, जो भी पार्टी जी हिंदुस्तान के लिए काम करेगा, समाज को बांटने का काम नहीं करेगा, समाज को जोड़ने का बात करेगा, तो किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं है जी। तो हम ये जानना चाहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि समाज को बांटने का काम, क्या बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है? अगर कर रही है तो किस आधार पर कह रहे हैं आप? अब देखिए प्रधानमंत्री बोलता है कि एक खास लोग होते हैं जो खास लिबास में होते हैं, उनसे समझना है, उनको सम्मान नहीं देना है, उनको हिंदुस्तान से निकालना है, जो प्रधानमंत्री बोलता है, गृह मंत्री बोलता है, तो इससे प्रूफ क्या हो सकता है मैडम जी। और जिस तरह से अगर बात करें सपा की, तो 2022 में जो विधानसभा चुनाव है तो बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है सपा, और आप भी अपने जो भावी प्रत्याशी हैं दावेदारी कर रहे हैं टिकट की, तो आपको क्यों लगता है कि आपको टिकट मिलना चाहिए? सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र जी, यहाँ पे मैंने 40 वर्ष सेवा किया है जी, और बसपा छोड़ने के बाद 14 वर्ष तक मेरी सिर्फ समाज सेवा में मैं रहा, लेकिन देश की स्थिति देखते हुए, प्रदेश की स्थिति देखते हुए, संविधान की स्थिति देखते हुए, भाईचारा की स्थिति देखते हुए जी, मैं कोई टिकट के लिए नहीं, मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी, मैं मुख्यमंत्री सपा का दामन पकड़ा जी। शेख अहमद जी, जिस तरह से कांग्रेस महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रही है, 40% टिकट की बात कही है कि महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया जाएगा, तो क्या सपा भी कुछ इस तरीके का करेगी, क्या महिलाओं को आगे लेके चलेगी? हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा सम्मान है महिलाओं का मैडम, हमारे यहाँ डिंपल जी कमाल संभाले हुए हैं, हमारे जूही सिंह कमाल संभाली हुई है जी, और बड़े पैमाने पर माननीय अखिलेश जी महिलाओं को भी टिकट देने जा रहे हैं जी।
हम आपके क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे कि वहां पे इस वक्त विकास कैसा देखने को मिल रहा है। अरे नगण्य हो गया मैडम, नगण्य हो गया है। जो 12 में हारे वो क्षेत्र में गए नहीं, जो जीते वो भी नहीं गए जी। और पूरा क्षेत्र मैडम खाली रहा, किसी नेता न पक्ष है न विपक्ष, लेकिन हम समाज की सेवा करते रहे, हम समाज की सेवा करते रहे और किसी भेदभाव को तो दूर रखते हुए, किसी पार्टी से मतलब नहीं था, जो समाज का ओरिजिनल सेवा होता है, मैंने सेवा किया बाल काल में, कोरोना काल में जी। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि बाकी सारे विपक्षी दल घर में बैठ के सोशल मीडिया की राजनीति कर रहे थे, कोई भी जनता के बीच में नहीं गया, बीजेपी के नेता गए हैं, उन्होंने जो है लोगों की मदद की है। गोदी मीडिया दुनिया जानती है, दुनिया बोल रही कि गोदी मीडिया में ही सब कुछ है और कागजों में है, विकास के नाम सड़कों पे और गांव में विकास नाम का मैडम कुछ नहीं उतरा। जो माननीय अखिलेश जी काम करके गए थे नाली का जी, सड़कों का विकास जो करके गए थे, उसी को लोग बराबर दोबारा पीता ये काटते रहे मैडम जी। तो जिस तरह से काम देखने को मिले हैं अखिलेश की सरकार में, अगर दोबारा से सरकार आती है तो क्या उससे ज्यादा काम देखने को मिलेंगे? क्यों संतुष्ट नहीं है बीजेपी के काम से? ऐसे कौन से काम हैं जो अभी तक नहीं कर पाई है सरकार वादा करने के बाद भी? ये दुखों के रोजगारों को रोजगार देने का था जी, हर प्रदेश को गुजरात की तरफ फैक्ट्री देने की बात थी, स्मार्ट सिटी 100 बनाने की बात थी मैडम जी, एम्स बनाने की बात थी मैडम, कुछ नजर आ रहा है जी? कुछ नजर नहीं आ रहा है जमीन के साथ मैडम। जो जेवर में माननीय अखिलेश जी ने जमीन अधिग्रहण किया, जमीन का पैसा दे दिया और काम शुरू हो गया और ये आके पिता काट गए जी। पूर्वांचल के एक्सप्रेस वे का मैडम 95% जमीनों का पैसा अधिग्रहण करके हमारे अखिलेश जी ने काम कर लिया था, लेकिन अफसोस है कि सरकार हमारी चली गई, झूठे नारों पे झूठे वादों पे हमारी सरकार चली गई जी। और ये लोगों ने फीता काट दिया 5% काम करके, और इसी को गिनाते हैं हमारे माननीय अखिलेश जी के कामों को जी। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी कमी रह गई थी अखिलेश के शासन काल में जो जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया? वो एक बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे, एक लाल परी आती थी छड़ी छुड़ा देती थी तो मड़ई वाला मकान जो महल बन जाता था और लोग सोने के लिबास हो जाते थे, पगड़ी बन जाता था, वही छड़ी लेकर जोगी जी और मोदी जी आए और जनता को बेवकूफ बना के पुरानी परियों की तरह छड़ी छिला के महल बन जाएगा और दूध की नदियां बने लेंगी, राम राज आ जाएगा, ये सारी झूठे छलावे में 15-15 लाख लोगों के खाते में पहुंच जाएंगे, झूठे छलावे में आके और जनता बहक गई और आज अपने सर और माथा पीट रही है। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जहां जाओ आप देख लो धरती की 1 इंच जगह खाली नहीं रहती है जहां माननीय अखिलेश जी जाते हैं मैडम जी। तो इस बार के जो 2022 के विधानसभा के चुनाव के मुद्दे हैं वो कौन से होने वाले हैं सपा के? बेरोजगारी पे मुद्दे होने वाले हैं जी, भाईचारे के मुद्दे होने वाले हैं, संविधान बचाने के मुद्दे होने वाले हैं, देश को एक साथ सारे समाज को जोड़ के चलने वाली बात होने वाली है जी। जी मैडम जी, तो हम बेरोजगारी पे बात करेंगे कि आखिर जितने युवा है बेरोजगार है उनको किस तरह से रोजगार दिया जाएगा, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है सपा के द्वारा? सपा के द्वारा रणनीति बनी है लेकिन उसमें खामोशी सुर बांधी गई है कि जब आचार संहिता लग जाएगी तो ये बातों को तर्कस से हम तीर निकालेंगे। जो अभी हमारी योजनाएं है आचार संहिता लगने के बाद हम पटल पे लाएंगे, नहीं तो उनका तुरंत ये मायावी जो पार्टी है जो एक महाभारत में वो देते थे कि एक मायावी होता था अपना रूप बदल लेता था, उसी तरह का ये रूप बदल लेंगे, इनसे हम लोग सतर्क हैं। इस वजह से आचार संहिता लगने के बाद अपनी योजनाओं को हम अपने पटल पर लाएंगे मैडम जी। अभी आप बताना नहीं चाहते हैं अपनी योजनाओं के बारे में जी, तो महिलाओं के बारे में तो बताएंगे कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाएगी सपा अगर सत्ता में आएगी तो क्या कुछ नया करने वाली महिलाओं के लिए? एक तो अगर वो ज्यादा से ज्यादा जहां से महिलाएं जी सकते हैं, कोटा नहीं पूरा करना है मैडम, जहां से महिलाएं जी सकती हैं वहां महिलाओं को खड़ा किया जाएगा। अब तो वहां कांग्रेस में तो बैंक में बैलेंस नहीं है, 40 लाख का चेक काट देंगे, 40% हम महिलाओं को देंगे, वोट ही नहीं है तुम्हारे पास, 40 नो तो 50 तो उसे क्या लेना देना, कोटा ही नहीं पूरा करना है,
लेकिन हमको जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए जी हाँ, महिलाओं को देना है, युवाओं को देना है। जैसे एक गुलाब का फूल होता है, उसकी खुशबू किसी जात बिरादरी के लिए नहीं निकलती है, किसी खासी खास व्यक्ति के लिए नहीं निकलती है, उसी तरह अखिलेश जी आज गुलाब के फूल है, किसी जातीय विशेष के लिए नहीं है, किसी एक आदमी के लिए नहीं है, और सर समाज के नेता बन चुके हैं मैडम जी। शेख अहमद जी, अब युवाओं को साधने की कोशिश भी चल रही है, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। कांग्रेस जो है युवाओं को स्कूटी देने की बात कर रही है, वही बीजेपी भी स्मार्टफोन और टैबलेट देने की बात कर रही है, तो क्या कहेंगे इस पे? मैडम ये अभी बात कर रहे हैं, हमारा नेता तो दे चुका है लैपटॉप, हमारा नेता तो क्या नाम है मोबाइल स्मार्टफोन दे चुका है हमारा नेता जी। लेकिन हम ये सब सबसे पहले हम इस पर ध्यान रखेंगे, बेरोजगारी दूर होने पर, शिक्षा पर, कैसे कम से कम सस्ते दर पे कैसे शिक्षा हम अपने नौजवानों को दें। शेख अहमद जी, मोबाइल लैपटॉप और स्मार्टफोन सब चीज तो दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से डाटा महंगा होता जा रहा है, तो पढ़ाई कैसे करेगा युवा? हाथ में सिर्फ क्या खेलने के लिए दिया जा रहा है ये सब? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, यही तो है जी। तो क्या सपा के वाईफाई देगी, और ये जो सिम के रेट और रिचार्ज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, वो सब कम करेगी? जी सर, नहीं ये तो हम केंद्र का मामला होगा, जब हम 24 केंद्र में पहुंचेंगे तो हम इसको फ्री कर देंगे जी। तो आगे की रणनीति क्या है 2022 के लिए, रणनीति क्या बनाई जा रही है? 2022 में रणनीति है कि हर समाज, हर छोटे छोटे दलों को जोड़ के जी, हर समाज को जोड़ के और भागीदारी उसको देके सत्ता के आए, और एकमात्र काम सबसे पहले 3 महीने में होगा, वो बेरोजगारी दूर करने की बातें होगी जी, हॉस्पिटल को दुरुस्त करने की बातें होगी, छोटे छोटे ITI बना के, छोटे छोटे पॉलिटेक्निक बना के, बच्चों को ट्रेनिंग करा के उनको उद्योग कराने की बात होगी मैडम जी। हम पकौड़ी और पापड़ नहीं चलवाएंगे, हम उनसे ग्रिल बनवाएंगे, उनसे दरवाजे बनवाएंगे, उनसे हवाई जहाज बनवाएंगे, उनसे हेलीकॉप्टर बनवाएंगे अपने नौजवानों से। शेख अहमद जी, आप कई पार्टियों से जुड़े हैं, और आपने सबके काम करने का तरीका भी समझा, सबकी रणनीति भी समझी हुई है, तो जो 2022 विधानसभा चुनाव है, तो इसमें अपनी रणनीति से चलेंगे या फिर सपा के ही पद चिन्हों पे चलेंगे? वो तो बात भविष्य भविष्य हो गई, वो तो भूतकाल की बातें हो गई जी। और ये सारी चीजें उम्मीद है हमारी नहीं जी, विदेशों में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं कार्यालय में जाता हूँ तो पता चलता है कभी ऑस्ट्रेलिया के लोग आए हुए हैं, कभी दुबई के लोग आए हुए हैं, कभी जापान के लोग आए हुए हैं, अखिलेश जी से मिलते हैं और उनको नेता हिंदुस्तान का मान चुके हैं और हम भी नेता मान रहे हैं, और अक्षरशा लोहियाबादी और अखिलेश जी के नीतियों पर अक्षरशा चलना है मुझे। महिला शिक्षा और सुरक्षा पे क्या कहेंगे? जिस तरह से कहा जाता है कि सपा ने अपने शासनकाल में महिला की शिक्षा और सुरक्षा पे काम किया है, आने वाले समय में इसको और बेहतर कैसे किया जाएगा? देखिए, आपने देखा 109 नंबर डायल, 100 नंबर डायल, पुलिस मुख्यालय एशिया में इतना बड़ा मुख्यालय नहीं बनाया जो अखिलेश जी ने बनाया जी, और सारी चीजें इसी को बना रही थी कि महिलाएं हमारी कैसे सुरक्षित रहे, सुबह अगर 4 बजे शाम को निकले, 4 बजे भोर तक अगर सड़कों पर रहे तो कोई माई का लाल उनके ऊपर हाथ ना लगा पाए, ना कोई उसकी छेड़खानी कर पाए, उनका जो भी जिधर से जाए महिलाएं लोग खड़े होकर उनका सम्मान करें, यही हमारी भारत की संस्कृति रही है और इस संस्कृति को लागू हम रखेंगे और रखे हुए हैं जी। आपने अपने विधानसभा में क्या कुछ काम किए हैं अभी तक, हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। मैडम बाढ़ काल में 98 में बाढ़ आई हुई थी जी, उसमें 3 महीने तक मेरे पूरा परिवार, सारे समाज को, DS बंदा से लेकर तूती पार से लेकर श्रीनगर तक, बच्चा बच्चा जानता है मैडम जी, हम लोगों ने खाना खिलाया जब तक लोग अपने घरों में वापस नहीं चले गए जी। इंटर कॉलेज, जूनियर कॉलेज मेरे बने हुए हैं मेरे माँ के नाम से, वहां पे मुफ्त में शिक्षा देता हूँ जी, कोई पैसा नहीं, किताब काफी मुहैया कराता हूँ, बच्चियों की शादी कराता हूँ, कोरोना काल में बड़े बड़े सिलेंडर मंगाया मैंने और मुफ्त मैंने दिया सबको बगैर किसी भेदभाव के जी। जब सरकार के पास सिलेंडर नहीं थे, मैंने सिलेंडर मंगा के सिवान से लेके गोरखपुर से लेके और बलिया तक हर क्षेत्र में मैंने सिलेंडर से सेवा किया।
जी, तो जिस तरह के आपने काम किए हैं आपको जरूर अपनी विधानसभा से प्यार तो बहुत मिलता होगा और हम चाहेंगे कि आपको टिकट भी मिले। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो जरूर दें। मैडम, अगर ईश्वर की कृपा हुई और अखिलेश जी मुझे उम्मीदवार बना दिया जी, तो पहला काम होगा कि यहाँ पे अगर 1 लाख वोट मिलता है तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ जितनी जनता मुझे प्यार करती है उसमें 70,000 हमारे वोट होंगे, 30,000 में बाकी लोग होंगे। मैडम जी, जी शेख अहमद जी, जी बिल्कुल पूरी कर लीजिए बात। अगर मैं विधायक बना तो सबसे पहले काम होगा ये हर सेक्टर में पॉलिटेक्निक और ITI छोटे छोटे खोल के लड़कों को ट्रेन करके बैंकों से लोन करा के उनको नौकरी कराना, उनका कारोबार कराना। और सिकंदरपुर में 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं मैडम जी, नवनगर, बगुड़ी, सिकंदरपुर, फंदा। उसमें से अखिलेश जी से मैं कहूंगा कि मेरी पूरी निधि ले लो, पूरी तनख्वाह ले लो, एक हॉस्पिटल को ऐसे कर दो जहां ठेहुने से लेके और हाथ तक की तब्दीली हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, मुझे कहीं और ना जाना पड़े हमारे क्षेत्र के लोगों को। मैडम जी, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ सपा के भावी प्रत्याशी सिकंदरपुर विधानसभा बलिया से जुड़े हुए थे शेख अहमद जी। तो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं प्रत्याशी और अपने काम को गिना रहे हैं, अपने पार्टी के काम को गिना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह से विकास कार्य को किया जाएगा और इस सरकार में क्या कुछ कमी देखने को मिल रही है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि जनता किसके काम को पसंद करती है और चुनती है। फिलहाल इस प्राइम चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।